वेलकम बैक टू जागो दुनिया, मैं हूं फारूक हसन। मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर जमील और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फखरे आलम। फैलम भी कहा जाता है इन्हें। और मैं बताया था बड़े दिनों से गायब हुए हैं ये, वरना इन्हें लोग बड़ा मिस करते हैं। फखर हमारे साथ हैं, स्पेशली दुबई से हमने इन्हें बुलवाया टिकट दे के, यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है तैयारी पे, और जो जिन्होंने टिकट दी वो भी साथ मौजूद है। कैप्टन सलमान अजहर भी हमारे साथ है। लेकिन पहले फखरे आलम के हवाले से, आप बहुत से लोग सारे इनको जानते हैं वो अच्छी तरह, लेकिन छोटा सा हमने पैकेज बनाया, देखते हैं पहले पैकेज आपको दिखाते हैं, फिर वापस आके कैप्टन साहब का आपसे तारुफ कराते हैं। फखरे आलम एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मुहताज नहीं। पॉप और भंगड़ा म्यूजिक की दुनिया में अपना एक मुनफरद मुकाम रखने वाले फखरे आलम ने अपने करियर का आगाज 1993 में किया। उन्नीस सौ तिरानवे से 2010 तक के अपने इस तवील करियर में फखरे आलम ने न सिर्फ लातादाद गाने गाए बल्कि मुतादिद ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी की। 4000 से ज्यादा टीवी शोज में मेजबानी के फराइज सर अंजाम देने वाले फखरे आलम बेहतरीन अदाकार और मेजबान होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। यही वजह है कि सैलाब सदगान की इमदाद के लिए वो किसी से पीछे नहीं रहे और कौमी एयरलाइंस के साथ मिलकर सैलाब सदगान के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 3000 टन अशराए खुर्दनोश इकट्ठी की। आइए मिलते हैं फखरे आलम से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। जी जनाब, फखरे आलम का आपने पैकेज देखा और इनके साथ तशरीफ रखते हैं कैप्टन सलमान अजहर। इनका तारुफ आपसे कराता चलूं, डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस हैं और चेयरमैन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी PIA। और आजकल मैंने जैसे कि प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि PIA जो है इसने भी सैलाब जदगान के लिए बहुत खिदमत की है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों ने या फॉरन लोगों ने जो इमदाद इकट्ठी की है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ तक पाकिस्तान तक पहुँचाना जो है उसका काम जो है ये PIA बड़ी जबरदस्त अंदाज से जो है सर अंजाम दे रही है। कैंप साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ प्लेजर टू सी यू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। व्हाट अ प्लेजर टू बी हियर। मैं ये कह रही थी कि फखर को खुशी हुई है हमारे साथ मुलाकात और फारूक के साथ करने की, वेट गेन कर लिए खुशी के मारे। हाँ ना, सिर्फ इस आज सुबह के लिए की है मैंने। भाई अभी निकाल देगा हमारा अभी ये पिक्चर कर दूंगा। मैं कब कहां कैसे? एक्चुअली मैं शटल करता हूं फारूक बिटवीन कराची एंड दुबई बिकॉज ऑफ वर्क, ठीक है ना। और अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माई बिजनेस इन दुबई एंड इन पाकिस्तान साइमल्टेनियसली। तो डेढ़ घंटे का रास्ता है, यू नो, फ्लाइट का। मैंने फिलहाल तो पिछले 2-3 साल से हार्डली हैड एनी टाइम। इंटेंशनल नहीं, वो बस बाय डिफॉल्ट वक्त नहीं मिलता। चूंकि देखें आप लोग ये शो कर रहे हैं, यू स्टिल इन्वॉल्व, एक्टिवली इन्वॉल्व, यू नो कि कितना आजकल का जो कंपेटिटिव हो गया है, एनवायरमेंट हो गया है, उसमें इट्स अ फुल टाइम जॉब दैट रिक्वायर्स फुल टाइम डेडिकेशन एंड अनडिवाइडेड अटेंशन। एब्सोल्युट। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा जो था यू नो मुश्किल है करना फिलहाल। फखर से बहुत सी बातें करनी है जी, ये हमारे साथ यहीं पे मौजूद है। कैप्टन साहब, ये बताइए मुझे कि PIA, मैंने न्यूज क्लिपिंग्स भी देखी, प्रोग्राम में भी मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत रिलीफ एफर्ट में बहुत PIA ने अपना किरदार अदा किया और कौमी एयरलाइन ऑब्वियसली इसको करना भी चाहिए था। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस वजह से हुई आपको देख के, हमने कैप्टन जाज हारून साहब को इनवाइट किया था लेकिन उनकी गालिबन मीटिंग आ गई, उन्होंने आपको नॉमिनेट किया और आप आए। आजकल जो हालात चल रहे थे या जिस तरह की कई बार टेंशन आ जाती हैं, मतलब एयरलाइन के हालात अच्छे नहीं, हम हमेशा ये सुनते हैं, तो आजकल तो उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए भी कोई इंसान जो है डरता है। आप बड़े स्पेशल आदमी हैं कि उन्होंने आपको नॉमिनेट किया कि आप इधर आके मेरे हवाले से बात करें, तो पहले तो ये बताएंगे आपकी क्या क्वालिटी है। स्पेशल कोई ऐसी बात नहीं है जी, असल में हमारे यहाँ एयरलाइन में एक बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कमिटी है और उसको मैं हेड करता हूँ। ओके। और PIA जो हमारा एक फ्लैग कैरियर है नेशन का, और ये हमारी बड़ी अवेयरनेस हमें है हम लोगों में कि वी हैव टू, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पैसेंजर्स हैं, हमारे लोग जो ट्रैवल करते हैं, उनके साथ हमें सिर्फ एक लेवल पे ही नहीं इंटरेक्ट करना बल्कि हमें हर लेवल पे इंटरेक्ट करना है। तो ये हम करते रहते हैं हमेशा अंडर आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये इस दफ़ा ही सिर्फ हमने नहीं किया बल्कि हमने जो अर्थक्वेक आया था 2005 में और ये जो स्वात IDPs का क्राइसिस हुआ था, वी ऑलवेज टेक अ फुल पार्ट इन इट। अब ये और बात है कि ये इतनी चीज़ ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती। अच्छा जी, सलमान भाई ये बताइए कि अगर मैं लेट्स से इजिप्ट में हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ,
और मैं दिल में दर्द भी रखता हूँ जैसे हर पाकिस्तानी रखता है, तो मैं कुछ भिजवाना चाहता हूँ चीज़ें, और मैंने इर्द गिर्द की अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मतलब रज़ाइयाँ भी इकट्ठी कर ली, कपड़े भी इकट्ठे कर लिए और दूध के पैकेट्स भी मैंने खरीद लिए। अब मैंने भिजवाना है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो आपको नहीं जानता, ना मैं फ़ख्र को जानता हूँ, तो मैं किसको रब्ता करूँ, किस वेबसाइट पर जाऊँ और क्या करूँ? जी, हमारी PIA की वेबसाइट के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है, तो अगर कोई कंप्यूटर लिटरेट है वो तो फ़ौरन उसको देख सकता है। इसके अलावा एक हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है कराची में, जो कि बाय डिज़ाइन सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया हमने कि इस तरह की इमरजेंसीज को हैंडल करे, लेकिन क्योंकि एयरलाइन की एक रिक्वायरमेंट भी है, तो हमारा एक बड़ा अच्छी तरह से डिज़ाइन हुआ इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है। कैप्टन साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई वॉलंटरली सर्विसेज अपनी देना चाहता है, कोई डॉक्टर है या आपको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकता है, ये मुझे बता। वही मैंने बताया कि हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के नंबर्स वेब पे हैं और काफी लोग कॉन्टैक्ट कर भी रहे हैं इस चीज के लिए। सो दैट इज, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ब्रेक के बाद हम आपको नंबर दे देंगे सो दैट पीपल कैन कॉल इन। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट आईडिया। और एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि ये सारा जो एक्सरसाइज हुई है इसमें एक विजन है, और ये विजन एक्चुअली जिसे मोबिलाइज करना लोगों को, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं ओवरसीज, लेकिन हमने उनको एक गाइडलाइन दे दी है कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। आई थिंक कि दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू एंड कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन है PIA से, एंड इंशाल्लाह ताला जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इजाज़ हारून साहब को भी हम नेक्स्ट वीक में इन्वाइट करेंगे और बाकी मसाइल पर भी बात करेंगे PIA के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ मौजूद होंगी द वन एंड ओनली नादिया हुसैन द सुपर मॉडल और फखरे आलम। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।